साहित्य अकाडमी नवा दिल्ली हथे सापड़ा लेन ऑल इंडिया ट्राइबल राइटर्स मीट बारमहारी आदिवासी अनलिया हेलमेल दो होई सेतना होला कोलकाता साहित्य अकाडमी रीजनल ऑडिटोरियम हॉल रे पारोमेन आरे आर गेल आगस्ट बारमहारी नवा साहित्य हेलमेल दो उड़ो सागुन कदा न्यूमुरुम अनलिया पद्मश्री शिरप हामेटिए मानतिए दमयंती बेसरा ओना हेलमेल रे देश दिसम कोन आयमा आदिवासी अनलिया अनढ़िया सेटेर को तहे कना चलो एनखान आलेरेन रिपोर्टर धनंजय सरेना रिपोर्ट लेकाते ओंडे को सेटल लेन मिदबार अनलिया मिदबार कथा बोन आजम लेगे सनम को जोहार तेहेन सानताली एकेडमी ले हेज कना नोडे अडी आयमा राइटर्स को हेज कना ओना मुद्रे आर मिटांग अनढ़िया से जहां राइटर्स कनाय उनी दो न्यामका दियाबोन उनी राइटर्स दो मणिपुर निज कनाय उनी बोन न्यामका दिया उनी सला मिद बार बोन गपाल मारावा आर बोन आंजोमा चे लेका उनी सला बोन गलमाराव कना उनी चेट कोइ लइया आको दिसम रेना चे लेका चेट कोइ लइया ओना गबोन आंजोमा आबो सनाम को जहां तिना गे नोडे को हेज कना ट्राइबल राइटर्स को ट्राइबल राइटर्स को जहां तिना को हेज कना नोडे तहिं कम से कम 50 मोगे गोटांग राइटर्स को हेज कना उनको के बन कुली कोआ ओना मुद्रे मिटांग नोडे मणिपुर खने हेज कना उनी दो अनणहिया कना उनी बन कुलीया मा एनखान मैम नमस्ते, आप कहाँ से आई हैं? मणिपुर से। मणिपुर से, तो आप क्या करती हैं अभी? मैं बाय प्रोफेशन फिल्म मेकर है, मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीडियो प्रोडक्शन वगैरह करता है। अच्छा, इसके पहले आपका परिचय दीजिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कई साफजे है और मैं माओ ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, मणिपुर से। अच्छा, माओ ट्राइब से। हाँ। माओ का वहाँ माओ और कितना ट्राइब सर माओ के अलावा? माओ एक ट्राइब है अंदर मणिपुर में, लेकिन एक मेजर ट्राइब नागा बोलते हैं, बड़ा ट्राइब नागा, लेकिन नागा का अंदर में बहुत सारे ट्राइब है, जैसे माओ है, पोमे है, मराम है, तंगखुल है, लेंगमे, जिलियांग, रोंगमे, कबुई, बहुत ट्राइब है और अपना ट्राइब अपना भाषा, लेकिन हम लोग का भाषा स्टेट के लिए मणिपुरी है, मणिपुरी है और ट्राइबल्स लोग अपना स्क्रिप्ट नहीं है, इंग्लिश ही इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों का इस्तेमाल इंग्लिश से ही होता है, करते पढ़ाई लिखाई सब इंग्लिश से ही होती सब, है सब, और सब लोग इंग्लिश ही ज़्यादा आते हैं, हिंदी से कम और दूसरा स्क्रिप्ट से कम इंग्लिश है, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज ने हम लोग को जगह आके अभी 100 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा ही हो गया है, वो लोग आके हम लोग को एजुकेशन दिया है, इसका वजह से ये सब हम लोग को इंग्लिश से प्रोफिशिएंट होना, इंग्लिश से कंफर्टेबल होना ये हो गया है। अच्छा, मतलब इंग्लिश से पढ़ाई लिखाई होती है? हाँ, पूरा हिंदी से नहीं होती है ज़्यादा? नहीं, आप लोगों का माँ भाषा से भी नहीं होती है? पहला माओ का भाषा का सब्जेक्ट भी नहीं था। अच्छा। लेकिन अभी 5-10 का बीच में से ही अपना मेरा ट्राइब के लिए तो एकेडमी बनाया है। हाँ। अभी स्टूडेंट लोग किताब मिला है अपना भाषा के लिए, पहला ऑल्टरनेटिव होता था मणिपुरी नहीं तो इंग्लिश, अभी लेकिन अभी ऑल्टरनेट में आ गया है माओ, माओ एज अ लैंग्वेज। माओ एक तो लिटरेचर बोल के होता है, लिटरेचर में उसमें इंग्लिश के साथ और माओ लिटरेचर आप लोगों का है कि नहीं? है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना, वो पढ़ाई होती है। हाँ हाँ। अच्छा, माओ जितना जनजाति है वहाँ भाषा तो मणिपुरी से पढ़ाई होती है, मणिपुर से नहीं, मणिपुर स्टेट मणिपुरी लैंग्वेज लैंग्वेज। हाँ, लेकिन पढ़ाई होती है इंग्लिश से। हाँ, और हिल मणिपुर में हिल एरिया भी है और प्लेन एरिया भी है, हिल में ट्राइबल्स लोग ही रहते हैं, प्लेन्स में मेजे लोग ही ज़्यादा रहते हैं, तो हिल्स में तो इंग्लिश ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और प्लेन्स में तो मणिपुरी मेजे लैंग्वेज यूज़ करते हैं मेजे। वहाँ कितना ट्राइब है माओ के अलावा और क्या क्या ट्राइब्स है मणिपुर में? हाँ, अभी टोटल रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज ऐसा कर बोलने से तो 10 का ऊपर ही होगा, 10 के ऊपर ही, 10 का ऊपर। उन लोग का भाषा क्या दूसरा है, माओ से अलग है? जिसे मैंने कहा है पोमे। हाँ, ये भी ट्राइब है, वो भी ट्राइब। हाँ, मराम ये भी ट्राइब है। अच्छा, तंखुल ये भी ट्राइब है, अपना का भाषा, ये सब अपना का भाषा भी है, लोग का भाषा अलग 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 एकदम अलग। और लेकिन मेरा माओ का कम्युनिटी, मेरा माओ का ट्राइब में से भी
अलग अलग है, विलेज विलेज का ऊपर में से भी अलग ही होता है, लेकिन ऑफिशियल से एक विलेज का लैंग्वेज ही ऑफिशियल करके यूज़ करते हैं। ऐसा बहुत डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, बहुत डिफरेंट लैंग्वेज है। तो यहाँ आप साहित्य एकेडमी में आप आई है, तो क्यों आई है? ताकि मेरा पोइट्री पढ़ सके लोगों को और सुन सके। तो आप पोएम लिखती हैं? हाँ हाँ। कविता लिखती हैं? हाँ हाँ। इंग्लिश में या माओ में? माओ में भी लिखते हैं और इंग्लिश में भी लिखते हैं। बहुत अच्छा है। अब पढ़ाई लिखाई कितना किया है आप? मैं ग्रेजुएशन किया है और इकोनॉमिक्स में, और डिप्लोमा फिल्म डायरेक्शन में भी किया है, और स्काई करियर स्काई ये एविएशन के लिए भी किया है डिप्लोमा, और MSAT मेरा डिप्लोमा बोर्ड किया है। साथ में ये भी करती है? हाँ हाँ, ये तो हाँ। कविता भी लिखती है? हाँ हाँ। लिखती है? हाँ हाँ। साथ में मैं पहला बैंक में काम करते हैं। वहाँ का ट्राइब कैसे है, मतलब पढ़ाई लिखाई कैसा है? सब ट्राइब पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ, लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, लिटरेसी रेट एजुकेशन बहुत अच्छा है वहाँ पे, क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा है मिशनरीज लोग ने बहुत अच्छा अच्छा स्कूल बनाया है, इसके लिए हम लोग का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। सब धन्यवाद आपको। जोहार, इनकन माँ इनकन सनम को के जोहार।